अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुर्जे जोजा जेमिनाय सितारा अतारत, आपका एलिमेंट एयर, आपके लकी जेमस्टोन्स फिरोजा जमुर्द जिनको टर्कवाइज और एमरल्ड कहा जाता है, आपके लकी कलर पीला या मिले जुले, आपका लकी नंबर 5 और आपका लकी डे वेडनेसडे। पुर्जे जोजा के हामिल अफराद ज्यादातर दानश्वर जिंदा दिल मुतजस्सिस अपनी मनवा लेने वाले और बहुत फुर्तीले होते हैं। 2016 रोशनी और हिकमत का साल, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां लेकर तलु हो रहा है, जबकि आप भी अपनी तबीयत के मुताबिक तब्दीलियों को पसंद करते हैं। 2016 में आप हमा वक्त अच्छे मौक़ों की तलाश में रहेंगे। स्पेशली 2016 बहुत ही संजीदगी के साथ हिकमत अमली का साल साबित होगा, लिहाजा वक्त की मुनासबत के साथ आपको भी हकाइक पसंद बनना चाहिए। ज़मीनी हकायक चाहे जो भी हो, आपको उनको तस्लीम करना चाहिए। आपकी सोच, आपका इमेजिनेशंस, आपके हवाई मंसूबे, जितने भी तमाम तर इरादे हैं, उनको आपको एक साइड के ऊपर रख देना चाहिए और ज़मीनी हकायक के मुताबिक अगर आपको अपने अजीज़ अकारिब दोस्तों की मावरत लेनी पड़े तो उसके लिए भी काफ़ी हद तक जो है आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपके 8वें और आपके 9वें का मुश्तरका हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम साल 7वें औज में रहते हुए ऐसे जौजवी अफराद जिनकी शादी के लिए उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर वो भी ज़रा सी कोशिश करें तो इस साल इंशाल्लाह उनकी नेक ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो सकेगी। तमाम शादीशुदा हजरात अपने अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसको किसी भी तरह मुतासर ना करें, कोई भी अपने मामला जो है उसको बातचीत के साथ अगर हल कर लें तो इस साल उनके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक शगुन रहेगा, वरना हालात काफ़ी हद तक जो है आपके लिए क्रिटिकल रहते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जो बुज़ुर्ग हैं मुखलिस हजरात हैं, आपके बहन भाई जो हैं या आपके करीबी मुखलिसीन दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ मुशावरत जो है या उनकी शमूलियत, उनकी सोच जो है अपने अज़दवाजी मामलात की बेहतरी के लिए ज़रूर शामिल हाल रखनी चाहिए। सितारा मुश्तरी 9 सितंबर तक आपके जायचे के 4थे रहते हुए 8वें 10वें और 12वें घरों को मुकम्मल नाजिर रहेगा, जिसकी वजह से आपके ना सिर्फ मुश्तरका मफादात शराकती अमूर काफ़ी हद तक जो है अहमियत अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपकी इज्जत और साख की बहाली जो है वो भी इंशाल्लाह इस साल ज़रूर हो सकेगी। 2016 में आपको सिर्फ इस चीज़ की अशद ज़रूरत रहेगी कि आप किसी भी तरह अपने जज्बाती अमूर जो हैं उनकी वजह से अपने बने बनाए काम जो हैं उनको बिल्कुल नहीं बिगाड़ें। अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल रख के चलने की ज़रूरत है, आपको तजर्बाशुदा अफराद जो हैं उनकी मशावरत की ज़रूरत है, स्पेशली आपके जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनकी मशावरत अपने मामलात में, अपने इरादों में, अपनी सोच में, अपने प्रैक्टिकल मैटर्स में, अपने मुलाजमती अमूर में, इवन अपने रोमानवी मामलात में, अपनी औलाद के हवाले से जो मैटर्स हैं उनमें ज़रूर शामिल हाल रखें। 9 सितंबर से 31 दिसंबर 7वें 10वें घरों का मुश्तरका हाकिम औज याफ्ता रहते हुए, जबकि सितारा ज़ुहल जो कि गुज़िश्ता साल पहले से ही औजी पोजिशन में है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से स्पेशली पेशा वाराना अमूर के हवाले से आपको काफ़ी हद तक जो है मामलात में इंशाल्लाह खुशगवारी के नतीजे दे सकेगा। आपको खुशगवार महसूर कुन खबरें जो है मौसूल होती हुई नज़र आ रही हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आपके रोज़मर्रा अमूर के हवाले से जो ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह 2016 में पूरी हो सकेंगी। आपका ताल्लुका ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, आप इन खुशगवाराना तब्दीलियों से मुतासर हुए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। आपके हाकिम सितारा अतारत का सफ़र मुश्तरका मुफादात के घर से शुरू होकर 2016 में यहीं पर ख़त्म होगा। ज़ुहल 8वें 9वें का मुश्तरका हाकिम बदस्तूर इस साल भी 7वें रहते हुए दूसरे आपसे ज़्यादा तवक्कुआत और उम्मीद से वाबस्ता करने, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक जो है ना चाहते हुए भी उनकी उम्मीदें उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरने के हवाले से काबिशें कोशिशें इकदाम जो हैं वो ज़रूर करने पड़ेंगे। अब यूँ समझ लें कि 2016 आपके लिए सोशल हवाले से काफ़ी हद तक जो है आजमाइश तलब साल रहेगा। आपका हाकिम अतारत 13-30 जून ताले में, अरूज याफ्ता 30 जुलाई तक 7 अक्टूबर शर्फ याफ्ता रहते हुए आपकी हैसियत और शख्सियत और सहर अंगेजी में इजाफा करेगा। दूसरे जो हैं आपकी शख्सियत से मुतासिर हो सकते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि जिनसे मुखालिफ के जो अफराद हैं उनकी तवज्जो आपकी तरफ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इस साल में बढ़ सकेगी। अतारत मुश्तरी तसलीस 14-15-16 जनवरी 6-7 फरवरी
14, 15 अप्रैल 21 तक 25 मई जबकि तजदीस 8, 9 जुलाई 22, 23 नवंबर किरानात 22 तक 31 अगस्त 2, 3 सितंबर 10, 11 अक्टूबर होने से बेहतरीन कुवते फैसला आला जहनी और तलीमी काबिलियत की बदौलत आप अपने बनाए गए मुस्तकबिल के प्रोग्रामों पर अमल करके अपने मुस्तकबिल को दरखशा बना सकेंगे। ताहम 15 मार्च और 22, 23 जून दूसरों के दामे फरेब में आने से बचें और अपना कीमती वक्त और रुपया लालच में आकर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें और इन नहस तवारीख में आप ज़्यादा से ज़्यादा सदकात दें ताकि हासदीन के बद इरादों से बचे रहें। आपके जायचे के खाने माल का हाकिम सितारा कमर जो कि एक माह से मुशाबहत रखता है, यूं तो तमाम माह आपको यहां आकर फ़ायदा देता रहता है। दौलत का फितरती हाकिम मुश्तरी यकम जनवरी था 9 सितंबर चौथे वबाल याफ्ता रहते हुए हर माह कमर से सात नजरात के सबब आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर दिला सकेगा। ज़्यादा माली फ़ायदे के लिए आपको चाहिए कि आप अपने दाएं हाथ में एक बड़ा सा मोती जो है वो चांदी की अंगूठी में बनवा कर ज़रूर पहने। इसके अलावा रूहानी तदारक के तौर के ऊपर सूरह कमर, सूरह मुज़म्मिल और सूरह वाकिया की रोज़ाना तिलावत आपके माली मामलात के हवाले से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक रहेगी। आपके साइचे के तीसरे का हाकिम शम्स यूं तो हम वक्त आपके हाकिम अतारत के साथ मुंसलिक रहता है। 2016 अजीज़ व अकारिब से तजदीद मरासिम और सफ़र के लिए 29 मार्च था 19 अप्रैल 20 मई था 24 अगस्त मजमूई तौर पर नहायत खुशगवार अरसा है जबकि 13 था 30 जून 30 जुलाई था 25 अक्टूबर सात अतारत के सबब गैर मतवक्के खुशगवार सफ़र पेश आए। तजारती कारोबारी अजीज़ अकारिब से तजदीद मरासिम के लिए सफ़र की यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। रिजद अतारत 5 था 25 जनवरी 28 अप्रैल था 21 मई 30 अगस्त था 21 सितंबर और 19 था 30 दिसंबर इन तवारीख में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और इस दौरान आप अपनी सवारी जिसके ऊपर आप सफ़र कर रहे हैं उसका मकैनिकली जो है उसका चेकअप ज़रूर करवाएं और अगर अशद ज़रूरी हो आपको इन तवारीख में सफ़र करना तो सदकात देकर फिर आप सफ़र करें। आपके चौथे का मुश्तरका हाकिम अतारद इस साल 13 जून था 29 जून 30 जुलाई था 6 अक्टूबर हालत अरूज और शर्फ में रहने से ख़ानदानी खानगी मसरूफियात में इजाफा आपके यहाँ मुतअद्दद तकरीबात जो हैं उनका इनेकाद हो सकता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी फ्लैट या गाड़ी की हस्बे हैसियत खरीदो फरोख्त अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो इस साल इंशाल्लाह आप ज़रूर कर सकेंगे। स्पेशली कुछ लोग जो अपने ऑफिसेज या घर की तज़ीनो आराइश डेकोरेशन के हवाले से अमूर को अंजाम देना चाह रहे हैं तो इस हवाले से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अपनी नेक ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा कर सकेंगे। साद अकबर सितारा मुश्तरी की सादत 9 सितंबर तक रहने के सबब ख़ानदान में वसत व इतफाक बढ़े। 2016 में आपके जायचे का पांचवा घर इस हवाले से ख़ास अहमियत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है कि 12 साल के बाद सितारा मुश्तरी 9 सितंबर तक 21 दिसंबर औज याफ्ता रहेगा। साल के पहले 8 माह साहबे औलाद अफराद को अपने बच्चों की तलीम और तरबियत के ऊपर खसूसी तवज्जो को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि पांचवें का हाकिम सितारा जोहरा 12 मार्च तक 4 अप्रैल 30 अप्रैल तक 17 जून और 30 अगस्त तक 22 सितंबर हालत शर्फ अरूज और औज में रहने से 2016 मामलाते उल्फत व मोहब्बत के हवाले से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगे। 2016 में आपकी शख्सियत काफ़ी हद तक जो है सहर अंगेज रह सकेगी। दूसरों के साथ आपकी इज्जत व वकार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके मामलात उल्फत व मोहब्बत के हवाले से दूसरों की तरफ से आपको इज्जत मिल सकेगी जिसकी वजह से 2016 आपके लिए काफ़ी हद तक इस हवाले से इंशाल्लाह नेक साल साबित होगा। ऐसे अफराद जो 2016 में अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं तो ये साल 2016 ऐसे अफराद के लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह नेक रहता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली ऐसे अफराद
जो किसी भी किस्म के अपने इनामात या प्राइस बॉन्ड्स इवन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कोई किस्मत आजमाई करना चाह रहे हैं या आप दिलचस्पी रखते हैं, तो इस हवाले से भी 2016 आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हद तक नेक साल साबित होगा। बल्कि ऐसे अफराद जो प्राइस बॉन्ड्स की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे इदारे आईने किस्मत की हर साल अलबेरूनी तकवीम इनाम लकी नंबर्स के हवाले से किताब मार्केट में आती है, जो कि 2016 में भी आ चुकी है। आप उसका मुताला कर सकते हैं, उसमें प्राइस बॉन्ड्स की ख़रीदारी के औकात शामिल हैं, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी अच्छे मुनज्जम किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना जायजा बनवा के अपने लकी जेम्स जोन प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से तजवीज़ करवा सकते हैं, या फिर इस हवाले से कोई इसमें आज़म जो है आप उसका वर्द अगर करें तो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो चांसेस 2016 में इनामात के हसूल के हैं वो ज़रूर बढ़ेंगे। ज़ोहरा अतारत किरानात 2016 13, 14 मई, 15, 16, 17 जुलाई और 28, 29 अगस्त होने से ज़िंदगी में किसी ऐसी मोहब्बत का आगाज़ हो सकता है जिसकी मंतहा आपकी शादी के ऊपर हो, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फर्द मिल सकता है जिसके साथ आपका रिश्ता जो है इस पाए का हो कि आपको ऐसा महसूस हो जैसा आपका उस शख्स के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है। बैतुल मर्ज जायचे का छठा घर काफ़ी हद तक अहमियत का हामिल है। यूं भी सितारा जोहल तमाम साल ताले को नाजर रहते हुए जहनी डिप्रेशन दे सकता है। आपके हाकिम अतारत का बैतुल खौफ यानी कि आठवें घर से शुरू होकर बैतुल खौफ के ऊपर ही यानी कि आठवें घर में ही उसका सफ़र इस साल ख़त्म हो जाना 2016 जो है मेडिकल चेकअप के हवाले से आपकी शुगर लेवल, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके मॉलेज जो हैं उनके साथ आपकी मुशावरत के हवाले से काफ़ी हद तक अहमियत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली ऐसे अफराद जो किसी न किसी बीमारी के हवाले से जो है किसी प्रॉब्लम में मुबतला है, उनको इस साल किसी भी हवाले से जो है नेग्लिजेंस नहीं दिखानी चाहिए। किसी अच्छे मॉलेज के साथ ना सिर्फ मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए बल्कि अपने मेडिकल टेस्ट जो हैं वो भी ज़रूर करवाएँ। बेरोज़गार अफराद के लिए स्पेशली 2016 में मरीख अतारत सात नजरात, जो कि 24, 25 मार्च, 10, 11 जुलाई, 14, 15, 16, 17 नवंबर, 28, 29 दिसंबर बनेंगे। इन दिनों आपको आला मुलाजमत के मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोशा हैं और स्पेशली मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशा हैं, तो आपको इस हवाले से ज़रूर ना सिर्फ मौके मिल सकेंगे बल्कि हसबे मंशा मुलाजमत का हसूल और आपकी कैरियर में काफ़ी हद तक खुशगवार तब्दीलियाँ इंशाल्लाह ज़रूर आ सकेंगी। आपके जायचे का सातवां घर शमसी जायचे के हवाले से 2016 में यूं भी काफ़ी हद तक जो है अहमियत का हामिल रहता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली जब 8-9 का मुश्तर का हाकिम जोहल यहां सारा साल हालत औज में रहते हुए ना सिर्फ आपके सोशल ताल्लुकात जो हैं मुश्तर का कारोबार और अजदवाजी ताल्लुकात इनमें खामख्वाह की गलत फहमियाँ जो हैं वो पैदा करता हुआ नज़र आएगा, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं इस हवाले से अपनी ज़िंदगी में दरपेश रहेंगी। आपको पहले से इसकी बेहतर हिकमत अमली कर लेनी चाहिए क्योंकि ये साल वैसे भी जो है रोशनी हिकमत अमली का साल है, तो इस हवाले से ज़रूर आपकी पहले से कोई ना कोई तदाबीर जो है आपके पास ज़रूर शामिल हाल रखनी चाहिए क्योंकि इस हवाले से ना सिर्फ आपकी अजदबाजी ज़िंदगी डिस्टर्बेंस का शिकार रह सकती है बल्कि 2016 में मुश्तरका मफादात के जो काम हैं आपका शरीक कार आपके पार्टनर्स उनके साथ आपके मामला जो हैं ना खुशगवारी वाले पेश आ सकते हैं। इसके हवाले से आपको पहले से कोई ना कोई तदाबीर जो है अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, अपने बुज़ुर्ग जो हैं उनकी रूहानी मुशावरत अपने साथ रखनी चाहिए, अपने मुखलिसीन जो दोस्त हैं आपके उनका तावन अपने साथ ज़रूर शामिल हाल रखना चाहिए। 2016 में आप जोहल के हवाले से अपनी किसी मसाइल प्रॉब्लम का अगर शिकार हैं, जैसे कि हम आपको एक गोश्त गुजार कर चुके हैं, तो उसके हवाले से आप सितारा जोहल की नहुसत को ख़त्म करने के लिए सदकात दे सकते हैं जिसमें काले रंग की जो चीज़ें हैं स्पेशली अगर आप हफ्ते वाले दिन, तो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ना सिर्फ मुफीद रहेंगी बल्कि जोहल की नहुसत का सबब बनेगी। आप इसमें काले रंग के जो हैं काली मिठाई दे सकते हैं, काला कपड़ा, काली मुर्गी, काला बकरा या चाय की पत्ती, इवन आप चॉकलेट जो हैं वो भी दे सकते हैं या आप कॉफ़ी जो है वो भी दे सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक सदकात देना जोहल की नहुसत का इंशाल्लाह सबब बनेगा।
ऐसे अफराद जो 2016 में अपने शादी के हवाले से परेशान नजर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2016 में आपको कोई ना कोई नेक वसीला इंशाल्लाह ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जब भी कभी ऐसा वसीला बने तो आप किसी अच्छे मुनज्जिम किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर अपना नेक वक्त निकाह का तय्यन करवाएँ, ताकि आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मसाइल से पाक रह सके। 2016 में आप अपनी तमाम तर मुश्किलात के ऊपर अगर हावी रहना चाहते हैं तो रूहानी तदारक के तौर के ऊपर आपको सूरह यासिन की तिलावत जो है इसको अपने रोज़मर्रा मामूलात में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। आपके साइचे के 8वें और 9वें घर का मुशतरका हाकिम जोहर अपने घर से 12वें हालत औज में सारा साल रहते हुए विरासती और शराकती अमूर 2016 में आपके खासे अहम रहेंगे। ऐसे जेमिनी अफराद जो दरीना विरासत के हसूल के लिए कानूनी पंचायती कोई विरासती या आप इखलाकी तौर के ऊपर कोशा हैं, इनके मामलात इस साल इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो हैं बेहतरी की तरफ रागिब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ना सिर्फ लिटिगेशन के हवाले से बल्कि दूसरे अफराद जो पहले आपके मुखालिफ थे आपके मामलात को सुन लेने के बाद आपके हक में आ सकेंगे। 2016 में मुश्तरका मुफादात के तहत किए गए काम स्पेशली हसूल मकासद के हवाले से या फिर आप अपनी इंश्योरेंस और क्लेम के हवाले से मामलात जो हैं उसके मंतज़र हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, तो इंशाल्लाह मामलात जो हैं उनका अंजाम आपके हक में रहेगा। अपने हसूल मकासद 2016 में जुहल अदारत की बनने वाली 7 नजरात 24, 25, 26 फरवरी 29, 30 मार्च 19, 20 जुलाई 14, 15 अक्टूबर 23, 24 नवंबर मुस्बत कोशिश फरमाएं तो इंशाल्लाह आप अपने नासिक मकासद में आसानी से कामयाब हो सकेंगे, बल्कि आप कई एक जो है नए रास्ते उनको मंतखब करते हुए नजर आएंगे अपने मुस्तकबिल की ठोस मनसूबाबंदी के हवाले से। आपके साइचे के 9वें घर का हाकिम जुहल तमाम साल 7वें में हालत औज में रहते हुए बिरून मुल्क आला तलीम के ख्वाहा अफराद के लिए संजीदा और नेक मौके फ्राहम करेगा। वो अफराद जो बिरून मुल्क सफ़र के लिए जाना चाह रहे हैं या किसी तलीम के हसूल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए आप जिस भी इदारे में अपना एडमिशन करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो उसकी साख जो है उसका आप बग़ौर मुताला या उसको चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपके जायचे में इस तरह की इंडिकेशंस हैं कि अगर आप बिरून मुल्क अपनी हसूल तलीम के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से इस साल नज़र आ सकती है। पहले से अगर आप इस हवाले से मुहतात रहेंगे तो इंशाल्लाह अपनी इस परेशानी से महफूज रहेंगे। ऐसे जमनाए अफराद जो दोबारा से शादी की ख्वाहिश रखते हैं 2016 उनके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक सम्राट का हामिल नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ ये आप अपनी दोबारा शादी के हवाले से अगर कोशिश करें तो उसमें कामयाब हो सकेंगे, बल्कि अगर आप हज व ज़ियारात या उम्र की अदायगी के लिए किसी रूहानी सफ़र का जो है अहतमाम करना चाह रहे हैं तो 2016 आपके लिए इस हवाले से भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक नेक साल साबित होगा। शमसी जायचे का 10वां घर खास अहमियत का हामिल स्पेशली इसका हाकिम सितारा मुशरी अपने घर से मुकाबिल यकम जनवरी था 9 सितंबर रहते हुए वो सादतें आपको 2016 में ना दिला सकेगा जिनकी आप तवक्को रखते हैं, लेकिन 9 सितंबर था 31 दिसंबर जब ये शमसी जायचे के 5वें आएगा तब हालात यकसर बदल जाएंगे। कारोबार और कैरियर के मामला में खासी अहम पेशरफ होगी। नए कामों की इब्तदा के लिए ये साल के स्पेशली जो 4 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक अहम नज़र आ रहे हैं, और स्पेशली अगर आप इन 4 महीनों में कोई भी नए काम का शुरुआत करना चाह रहे हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसका टाइम ज़रूर निकलवा लीजिएगा। 2016 में कुछ ना आगपत अंदेश और धोखा फराड दही के जो अफराद हैं जालसाज ये आपकी ज़िंदगी में शामिल रहते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आपको कारोबारी मामलात के हवाले से आपके कैरियर के हवाले से जो अमूर हैं उनमें आपको किसी ना किसी तरह जो है मसाइल का शिकार कर सकते हैं। इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप उनकी वजह से अपने जज्बात जो हैं उसको कंट्रोल में ना रख सकेंगे, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह अपने मामला जो हैं उनको बेहतर हिकमत अमली की तरफ ज़रूर लेके जाना है। बेहतर मुशावरत के हवाले से अपने जो बुज़ुर्ग हजरात हैं ऐसे अफराद जो तजर्बाकार हैं उनकी मुशावरत से अगर आप अपने अमूर जो हैं ऐसे जालसाज अफराद जो हैं उनसे महफूज रखने के लिए पहले से बेहतर हिकमत अमली तरतीब देते हैं तो ना सिर्फ इंशाल्लाह आप उनकी जालसाजी से महफूज रह सकेंगे, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में 2016 के हवाले से कुछ ऐसे इकदाम या माहदे जो हैं
उनकी बेस रख सकते हैं, उनकी बुनियाद रख सकते हैं, जो आपको मुस्तकबिल बाईद मुस्तकबिल दूर के हवाले से आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक सम्राट दिला सकेगा। आपके साइचे का 11वें घर का हाकिम मरीख का सफ़र 2016 निसफ आसमानी कौंसल पर बुर्ज मेज़ान तक बुर्ज हौद में रहेगा, खसूसन जब ये अपने ज़ाती बरूज 3 जनवरी तक 6 मार्च 27 मई तक 30 जून और शर्फी बुर्ज में 27 सितंबर तक 9 नवंबर रहेगा, तब आपकी कई गैर मतवक्को दरीना ख्वाहिशात इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पूरी हो सकेंगी। आपके हल्का एबाब में वसत लेकिन 7वें जोहल की मौजूदगी के सबब पुराने अफराद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे जिनकी जगह कुछ नए अफराद ले लेंगे। 2016 एक अनजाने से गलबा व दबाव का साल है। मंदरजा बाला सीधी सादी बात यह है कि आपको कोई भी फर्द अगर कोई मशवरा दे रहा है आपकी बेहतरी के लिए तो आप चुप करके उसके मशवरे के ऊपर अमल करें, अपनी सोच जो है उसको प्रैक्टिकली उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें तो इंशाल्लाह ये साल आप काफ़ी हद तक जो मामलात हैं उनमें ना सिर्फ परेशानियों मुसीबतों से बचे रहेंगे बल्कि रूहानी तदारक के तौर के ऊपर सदकात दे रहे हैं आप जोहल के और सूरह यासिन का वर्द कर रहे हैं उसकी तिलावत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका ये साल काफ़ी हद तक जो है परेशानियों से पाक गुजरेगा। उम्मीद है जेमिनी अफराद अपने इस साल की आगाही के हवाले से काफ़ी हद तक जो है मालूमात आप तक पहुंच चुकी होंगी, आप अपने साल को बेहतर तरीके से गुजारने के ना सिर्फ बेहतर हिकमत अमली वजह दे चुके होंगे बल्कि आप अपने आने वाली जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से भी आगाह रहते हुए अपने आने वाली बेहतर हिकमत अमली को वजह करते हुए अपने कामयाबियों का सफ़र जो है वो जारी और सारी रख सकेंगे। 2016 के हवाले से हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह जल्द ही हम आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।